हे स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग अभी देख रहे हो हमारे सामने मोरल साइंस का बुक है। तो हमें अभी इसमें चैप्टर सेकंड स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर वन फिनिश किया था विद रिवीजन, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ हुआ था। तो आई होप आप लोग को वो समझ आ चुका होगा। तो देखिए, अभी हम अपना चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे इसमें, जिसमें हमें एक स्टोरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड। तो इससे पहले कुछ मोरल वैल्यूज है वो आप देख लो, पहले उसे जानना कंपलसरी है, और ये आपकी कॉपी में भी नोट डाउन होना चाहिए। जैसे देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है, एज वी ऑल नो एवरी कॉइन हैज इट्स ओन टू साइड्स, दैट इज हेड एंड टेल। ये तो सबको पता है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। इन द सेम वे आवर लाइफ हैव सम गुड थिंग्स एंड सम बैड थिंग्स। तो उसी तरीके से क्या होता है, हमारी लाइफ में भी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमें हमेशा सही चीज़ों की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, इफ वी वॉन्ट टू बी हैप्पियर देन वी नीड टू रिमेंबर ओनली गुड थिंग्स। अगर हम चाहते हैं कि हम खुश रहें अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में खुश रहें, तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ही याद करना पड़ेगा। थर्ड क्या है, इवन इन आर बैड डेज देयर आर सम गुड थिंग्स दैट हैपन। चाहे हमारे कितने भी बुरे दिन क्यों ना हो, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं। दे मे बी स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही वो छोटी चीज़ हो, छोटी हो, लेकिन फिर भी हमारे जीने के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको ये पहले नोट डाउन हो जाना चाहिए आपके नोटबुक में। आपने नोटबुक अभी ख़रीद लिया होगा तो आपकी कॉपी में ये लिखा होना चाहिए अच्छे तरीके से, आप इसे नोट डाउन कर लेना। इसके बाद हम अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, रमन एंड राजन। रमन एंड राजन वर टू फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड है। दे यूज टू क्वारल फॉर मेनी रीजंस बट दे हैव नेवर गिव अप देयर फ्रेंडशिप। बहुत सारे मतलब बहुत चीज़ों पे, बात बात पे उनकी लड़ाई होती थी, बहुत बार उन्होंने झगड़ा किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने फ्रेंडशिप को गिव अप किया हो, मतलब अपने फ्रेंडशिप को छोड़ दिया हो। वन डे दे डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ अ जॉब। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम जॉब के सर्च में निकलेंगे। दे पास्ड थ्रू मेनी प्लेसेस, बहुत जगह से होकर वो गुजरे। दे सपोर्टेड ईच अदर ऑल द वे थ्रू आउट देयर जर्नी, और अपने पूरे जर्नी में, जहाँ भी वो लोग स्टार्ट किए, पूरे जर्नी में वो एक दूसरे का सपोर्ट बन के साथ में रहे, हर टाइम पे एक दूसरे का हेल्प किए। After a few days, they reached a desert. और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो एक डेजर्ट पे पहुँचे, डेजर्ट पे पहुँचे। They had very little food and water. वहाँ पे उन्हें बहुत कम पानी और फूड थे, मतलब बहुत कम बच चुका था। जैसा वो लोग जर्नी के लिए ले गए थे, लेकिन वहाँ जाते जाते वो सारा कुछ खत्म हो चुका था। Raman told Rajan to eat half of the food and save another half for later use. तो रमन क्या बोलता है, रमन राजन को बोला कि इसमें से आधा फूड तुम खा लो और आधा जो फूड है वो हम लोग आगे के लिए बचा के रखेंगे। ही ऑल्सो टोल्ड राजन टू सेव वाटर, और उसने राजन को वाटर भी सेव करने को कहा। राजन डिड नॉट अग्री विथ रमन, लेकिन राजन क्या हुआ, वो रमन के साथ, रमन की बातों में अग्री नहीं हुआ, उसकी बातों को वो नहीं माना। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक होल वाटर एज ही वॉज वेरी थर्स्टी। वो चाहता था कि वो पूरा पानी पी ले, मतलब जितना भी पानी उसके पास अवेलेबल था वो चाहता था वो पूरा का पूरा पानी पी ले, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। दे स्टार्टेड क्वारलिंग, और इस बात पे उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ। रमन स्लैप्ड राजन बट राजन सेड नथिंग। रमन राजन को स्लैप किया, उसने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी राजन कुछ नहीं बोला। दे वॉक्ड इन साइलेंस, उसके बाद वो दोनों बिना एक दूसरे से बात किए चुपचाप से चलने लगे। राजन रोट इन सैड, फिर राजन क्या हुआ, बहुत उदास होकर उसने लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। क्या लिखा वो, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। जैसा आप यहाँ पे ये डायग्राम में देख सकते हो ना, यहाँ पे ये लिखा, माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी। ठीक है, तो इसमें यही, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।